ठीक वैसे जैसे क्रिकेट के अंदर बॉलर्स को सबसे कम क्रेडिट दिया जाता है, वैसे ही बॉलीवुड के अंदर कॉमेडियंस को बहुत कम क्रेडिट मिलता है। लेकिन एक बॉलर की सिर्फ 6 बॉल काफी होती है पूरे मैच को पलटने के लिए। ये रिव्यू डेडिकेटेड है उन सभी बॉलीवुड कॉमेडियंस के लिए जिन्होंने हंसते हंसाते हमें जीना सिखा दिया। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 कॉमेडी मूवीज इन बॉलीवुड। नंबर 10 पे 2006 में आई भागम भाग, डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन, जो कि मास्टर शेफ है कॉमेडी मूवीज के। जब कॉमेडी के महारथी गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल हीरोइन के पीछे भागम भाग करते हैं तो वो देख के हमारा पैसा वसूल हो जाता है। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़! नंबर 9 पे टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में। पहली है 2013 की फुकरे और दूसरी है 2011 की दिल्ली बेल्ली। दिया ताऊ जी, we are all very sorry that bullet hit your bum. We hope you can soon go potty on your own. दोनों मूवी कॉमेडी कैटेगरी के अंदर एक फ्रेश एयर की तरह है। दिल्ली बेल्ली के मेकर आमिर खान ने इसके ट्रेलर के अंदर ओपनली कह दिया था कि जो सेंसिटिव पर्सन है वो इस मूवी को देखने बिल्कुल भी ना आए। और फिर फुकरे और दिल्ली बेल्ली के सक्सेस के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि अब नया। नंबर 8 पे 1997 की चाची चारसूली। वर्सेटाइल एक्टर कमल हसन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी फुल पैसा वसूल है। बचपन के वो दिन हमें आज भी याद है। ये उन मूवीज में से है जिनके लिए हम स्पेशल VCR प्लेयर और VCR कैसेट लेके आते थे दो दो दिन के रेंट पे। नंबर 7 पे 2007 की वेलकम। ये उन मूवीज में से है जिन्हें आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले बैठ के भी एंजॉय करोगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये उन मूवीज में से है जिनके सीन्स अगर आप सिर्फ याद करोगे ना तभी आपको हंसी आ जाएगी। काश दुनिया के सारे डॉन उदय भाई और मजनू भाई जैसे ही हो। इस मूवी के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर और एक एकदम शांत स्वभाव का जेंटलमैन, इन दोनों को अपनी बहन की शादी करानी है बस। अरे भाई को बताया नहीं कि भाई संजय दत्त लगता है यार। नंबर 6 पे 2006 की गोलमाल। कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस। इस मूवी के अंदर संदूक के बारे में पता चलने के बाद मुझे इतना शॉक नहीं हुआ जितना अजय देवगन की कॉमिक टाइम देख के हुआ। सभी एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस और कॉमिक टाइमिंग के दम पे इस मूवी को मेमोरेबल बना दिया है। नंबर 5 पे 2003 की मुन्ना भाई MBBS। ये मूवी नहीं, इसे हम हमारा फेवरेट टीचर कहेंगे जिसने हमें हंसते हंसाते लाइफ के कई सारे लेसन सिखा दिए। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की आदत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? स्कूल के साइंस के लेक्चर से ज्यादा हमने इस मूवी के अंदर साइंस सीखी है। जादू की झप्पी, डॉक्टर अस्ताना, सर्किट और मुन्ना भाई की दोस्ती, ये सब कुछ इस मूवी को एपिक बनाती है। नंबर 4 पे 2003 में आई हंगामा। इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स ने दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम किया है, वो है ऑडियंस को पेट पकड़ के हंसाना। हीरोइन आखिर किस हीरो की रहेगी, इस कंफ्यूजन के चक्कर में होने वाला सारा हंगामा उसे देखकर आपकी लाइफ के सारे टेंशन गायब हो जाएंगे। नंबर 3 पे टाई हो चुका है 1990s की दो क्लासिकल कॉमेडी हिट मूवीज। अब इनमें क्लासिकल है अंदाज अपना अपना और हिट है दूल्हे राजा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अंदाज अपना अपना उस टाइम की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी थी जो आज 21st सेंचुरी में टॉप 3 कॉमेडी मूवीज के लिस्ट में है। और अगर बात करें दूल्हे राजा की तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी दुनिया के ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, यानी कि जॉनी लीवर, कादर खान और गोविंदा। नंबर 2 पे टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में। पहली है 2007 में आई धमाल। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है धमाल मूवी को लेके, सही है कि नहीं मुझे आप कमेंट में बताइएगा। इस मूवी के अंदर एक मिनट भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉमेडी ना हो। ये वो मूवी है जिसको आप अपने बच्चों के भी बच्चों के साथ देख देख के बार बार एंजॉय करेंगे। अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए, क्या हे भगवान हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो, हम तेरी शरण में आ रहे हैं।
नंबर टू पे दूसरी मूवी 2009 में आई थ्री इडियट्स। क्या एक कॉमेडी मूवी आपको एजुकेट, इंस्पायर और चेंज कर सकती है? तो यस, उसका एग्जांपल है विधु विनोद चोपड़ा की थ्री इडियट्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम की डार्क साइड को डायरेक्टर ने कितने मीनिंगफुल और ह्यूमरसली दिखाया है, जिस वजह से हम सब के दिमाग के साथ दिल में बस गई है ये मूवी। अपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। नंबर वन पे मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक हेरा फेरी। आज भी हमारे एरिया की गणपति के फैंसी ड्रेस में एक बच्चा तो बड़ा चश्मा लगा के बाबू राव की एक्टिंग करेगा ही। ये बाबू राव का स्टाइल है। अगर आपको लाइफ में कभी भी दुख, दर्द या किसी चीज की चिंता सताए तो इस मूवी के साथ कुछ पल जरूर बिताना। वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लाइफ में सबसे ज्यादा किसने हंसाया है। तो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ, आज मछली का क्या भाव है? कोई चमन झिंगा का फोन? ऐसे ही टॉप 10 मूवीज और वेब सीरीज के लिस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।